everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about logical and non-logical action given by Wilfredo Pareto, a very important sociologist and economist that we study in sociology. Okay, so if you are preparing for any exam, NET, GATE, MA sociology, any entrance, PhD entrance, this topic is important for all of you. And don't forget to join my Telegram channel because the PDF of all the lessons you will get on the Telegram only. I am your educator, Bhairavi Bharadwaj. So let's start and understand what is the logical and non-logical actions. So let us start with the introduction. While studying economics, Pareto concluded that economics was limited to only a single aspect of human action, the action that was rational and logical and was followed to acquire limited resources. जब economics में Pareto study कर रहे थे, उस time पे उन्होंने ये चीज़ देखी कि economics जो है, वो बहुत ज़्यादा limited था सिर्फ एक aspect पे. Human action जो है, जो हमारे actions होते हैं daily life में, जो भी चीज़ें हम करते हैं, उसके एक ही aspect पे सारा focus था economics का. ठीक है? कौन सा वो action था? रैशनल एक्शन या फिर लॉजिकल एक्शन, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा प्लान करके बहुत ज़्यादा रीजंस के साथ करते हैं, उन पे इकोनॉमिक्स ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है? और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है. ये चीज़ आपको अगर थोड़ा भी इकोनॉमिक्स का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. ठीक है? तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कितना ज़्यादा अक्वायर किया जाए, इसी पे ज़्यादा फोकस रहता था इकोनॉमिक्स का. ठीक है? पेरेटो बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर वर लॉजिकली सब्जेक्टिवली एज वेल एज ऑब्जेक्टिवली. पेरेटो ने ये चीज़ बोली थी कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उनके लॉजिक सब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करते हैं और ऑब्जेक्टिविटी पे भी डिपेंड करते हैं. ठीक है? अकॉर्डिंग टू हिम एन एक्शन वॉज लॉजिकल इफ द मीन्स एम्प्लॉयड टू अटेन द रिसोर्सेज आर ऑब्जेक्टिवली यूनाइटेड एंड द गोल इज अचीव्ड ऑब्जेक्टिवली. देखो, जब लॉजिकल एक्शन के बारे में पेरेटो ने बोला कि जब कोई भी चीज़ आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, लेट्स से आपका एग्जाम है, ठीक है, तो अब एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सीधी बात है वो है कि आपको पढ़ना है. दिस इज अ लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज अ लॉजिकल एक्शन. ठीक है? कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 5 to 6 hours डेली पढ़ना होगा. ठीक? अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे आप क्या सोचते हैं या आपकी क्या फीलिंग्स हैं वो मैटर नहीं करती हैं. ठीक है? इसी को पेरेटो ने बोला था लॉजिकल एक्शन. पेरेटो वॉज कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट दैट ट्रू लॉजिकल एक्शन वॉज वेरी रेयरली परफॉर्म्ड. पेरेटो ने कहा कि जो लॉजिकल एक्शन होते हैं वो बहुत ही रेयरली परफॉर्म्ड होते हैं. ठीक है? बहुत ही कम हमें लॉजिकल एक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो लाइफ में हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी सब्जेक्टिविटी वाली चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के करते हैं. ठीक है? ही टर्न टू सोशियोलॉजी व्हेन ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन अफेयर्स वर गाइडेड बाई नॉन लॉजिकल एंड नॉन रैशनल एक्शंस. तो इन्होंने कहा था कि ऐसा है सोशियोलॉजी में, जो इन्होंने थ्योरी दी थी तो उसमें इन्होंने यही बोला था कि ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं, जो इंसान चीज़ें करता है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, वो नॉन लॉजिकल और नॉन रैशनल ज़्यादा होती हैं. ठीक है? पेरेटो ब्रॉडली डिवाइडेड ऑल एक्शंस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. सारे एक्शंस को पेरेटो ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. ठीक है? पहला है पर्सनल एक्टिविटीज या पर्सनल एक्शंस एंड दूसरा है सोशल एक्शंस. ठीक है? ही फर्दर सेड दैट ऑल एक्शंस और सोशल फिनोमेना हैड टू एस्पेक्ट्स, फॉर्म एंड रियलिटी. ये याद रखना. इन्होंने कहा था कि सारे एक्शंस जो हम करते हैं या जो भी सोशल फिनोमेनाज होते हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं मेन, क्या? फॉर्म एंड रियलिटी. क्या होता है फॉर्म एंड रियलिटी? लेट अस अंडरस्टैंड. अब देखो, फॉर्म इज द वे इन विच द सोशल फिनोमेना प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू द ह्यूमन माइंड एंड इज समथिंग सब्जेक्टिव. मतलब कोई चीज़ जब हम देखते हैं या किसी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या होता है, वो उस चीज़ की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं. अगर मैं आपसे कहूँ ऑरेंज, तो किसी के दिमाग में आएगा कि ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, किसी के दिमाग में आएगा ऑरेंज इज़ अ कलर. ठीक है? ये हो जाएगा उसका फॉर्म. रियलिटी क्या होता है? जब हम एज इट इज़ उस चीज़ को देखते हैं. जैसे अगर मैंने सामने ही ऑरेंज रख दिया आपके, तब तो आपको दिखेगा कि वो एक फ्रूट है ना? तो वो हो जाती है रियलिटी. आई होप इस एग्जांपल से आपको ये दोनों बातें क्लियर होंगी. तो फॉर्म में हमारी सब्जेक्टिविटी आ जाती है और रियलिटी में हमारा कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है?
पेरेटो ऑल्सो क्लेम दैट ऑल पर्सनल एंड सोशल एक्शंस हैड टू पार्ट्स। पेरेटो ने बोला था कि पर्सनल एंड सोशल एक्शंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला एंड्स एंड दूसरा मीन्स। ठीक है, एंड्स मतलब हमारा जो फाइनल गोल है, एंड मीन्स मतलब जो भी तरीका हम यूज कर रहे हैं उस फाइनल एंड को अचीव करने के लिए। ओके, यूजिंग द बेसिक ट्रेट ऑफ एक्शन पेरेटो फाइनली डिवाइडेड एक्शंस एज लॉजिकल एक्शंस एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस। तो फाइनली सारे एक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए पेरेटो ने दो चीजें हमें दी, दैट इज लॉजिकल एक्शन एंड नॉन लॉजिकल एक्शन। ये टॉपिक थोड़ा सा ईजी है बट क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के और आपसे टफ लैंग्वेज में पूछेंगे, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो ईजी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन टफ भी बना के पूछेंगे तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल डू इट करेक्टली। ओके, पेरेटो सेड दैट एवरी सोशल और पर्सनल एक्शन ऑफ ह्यूमन वॉज बेस्ड ऑन ईदर लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन। पेरेटो ने यही बोला था कि सोशल और पर्सनल एक्शन जो होते हैं वो या तो लॉजिकल हो सकते हैं या नॉन लॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल एक्शंस आर द एक्शंस दैट आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। याद रखना, लॉजिकल एक्शंस के बारे में पेरेटो ने बोला था कि ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो बेस्ड होते हैं लॉजिक पे और एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, दीज एक्शंस आर द वंस इन विच द मीन्स एंड एंड्स आर कनेक्टेड। इसमें जो हमारे मीन्स और एंड्स हैं वो हाईली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, व्हाइल नॉन लॉजिकल एक्शंस आर दोज ह्यूमन एक्शन दैट डू नॉट फॉल इन द स्कोप। और बाकी सारे एक्शंस जो होते हैं जो लॉजिकल एक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं फिट हो पाते हैं वो हमारे हो जाते हैं नॉन लॉजिकल एक्शन। अभी एक एक करके हम सारे देखेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। नाउ लेट अस कवर बोथ लॉजिकल एक्शन एंड नॉन लॉजिकल एक्शन। लॉजिकल एक्शन क्या है? इट इज द वन इन विच लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द मीन्स एंड द एंड्स एग्जिस्ट बोथ इन द माइंड ऑफ द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब आपका अगर जैसे एग्जाम है, ठीक है, तो आपका एंड क्या है? आपका गोल है कि आपको नेट चाहिए, आपको JRF चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपके सीधे सीधे जो मीन्स हैं वो क्लियर होंगे। आपको पता है कि अगर आपको JRF चाहिए तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसमें आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आपको एक गोल अचीव करना है और उसके पीछे आप लग जाएंगे। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं आएगी कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ बैठ के, है ना, या मैं अपनी फीलिंग्स को उस पर अफेक्ट कर रही हूँ कि आज मेरा मन नहीं है या आज मुझे बहुत खुशी हो रही है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है लॉजिकल एक्शन के हिसाब से, सो आपको अपने मीन्स और एंड्स को एकदम कनेक्ट करके क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है लॉजिकल एक्शन में। लॉजिकल एक्शन इज दस प्योर रैशनल एक्शन। प्योर रैशनल एक्शन मतलब कोई चीज़ करनी है तो उसका कोई रीज़न है, बिना रीज़न के हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन अ लॉजिकल एक्शन द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द मीन्स एंड द एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाई द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन एंड अदर पीपल हु हैव इनफ नॉलेज ऑफ द फैक्ट वेदर द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड इज रियल और नॉट। मतलब लॉजिकल एक्शन एक प्योर रैशनल एक्शन है। ठीक है, और लॉजिकल एक्शन में जो लॉजिकल कनेक्शन होता है मीन्स और एंड के बीच में, वो एक इंसान, मतलब जैसे मेरी लाइफ में अगर है तो मैं उसे अप्रूव करूंगी, तभी तो वो एक्शन होगा ना। अगर मेरा गोल कुछ है तो उसको पाने के लिए जो तरीके मैं अपनाऊंगी वो मुझे ही तो करने पड़ेंगे, तो मेरी साइड से वो अप्रूव्ड होगा। और साथ में जो और लोग भी हैं, अदर पीपल जो जिनके पास उससे रिलेटेड नॉलेज है, जो मेरी हेल्प करने वाले हैं, वो भी उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी तो आपके लॉजिकल एक्शन में एक तरह से और लॉजिक ऐड कर रही हूँ, है ना। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। दस अ लॉजिकल एक्शन इज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। एक लॉजिकल एक्शन, याद रखना, पेरेटो ने कहा था सब्जेक्टिव भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, पेरेटो सेड दैट अ लॉजिकल एक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज द एंड रिजल्ट ऑब्टेन हैज बीन प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन। पेरेटो ने कहा था कि एक लॉजिकल एक्शन सब्जेक्टिव भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर हमने इतना पढ़ा है तो हाँ इतने तक हम स्कोर करेंगे, है ना। तो एकदम सेट ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं होती है, थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी हमारे लॉजिकल एक्शन में रहती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। पेरेटो इनलिस्टेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल एक्शन। अब लॉजिकल एक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देख लेते हैं। लॉजिकल एक्शंस आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। ये तो हमने अभी पढ़ा कि लॉजिकल एक्शंस जो हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, रीजन होगा और कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ठीक है, ऑल पर्सनल और सोशल एक्शंस दैट हैव एडजस्टमेंट बिटवीन मीन्स एंड एंड्स आर लॉजिकल एक्शन। कोई भी पर्सनल या सोशल एक्शन हो जो कि मीन्स और एंड्स के बेसिस पे हम कर रहे हैं
वो हमारा लॉजिकल एक्शन हो जाएगा। लॉजिकल एक्शंस रियल होते हैं, लॉजिकल एक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं। लॉजिकल एक्शन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द एक्टर एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली। जो भी इंसान वो एक्शन कर रहा है वो उस एक्शन को लॉजिकली एक्सेप्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर लॉजिकल एक्शन द एंड एंड मीन्स मस्ट बी साइंटिफिक एंड जस्टिफाइड। तो आपका जो भी गोल है वो साइंटिफिक होना चाहिए, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल रियलिस्टिक ही नहीं है। जैसे मुझे पूरी पूरी दुनिया का मुझे सबसे अमीर आदमी बनना है, जैसे मुझे आसमान में उड़ना है, अब ये तो एक तरह का बहुत ही कह सकते हैं जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर आपको आसमान में उड़ना है तो कैसे उड़ना है, आपको एक जस्टिफिकेशन वाला गोल लेके चलना है लॉजिकल एक्शन में, ठीक है। देर इज़ नो प्लेस फॉर लॉजिकल एक्शन इन प्रिजुडाइजेस एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशंस की कोई जगह नहीं है लॉजिकल एक्शन में, आप बस बैठ के सोच रहे हैं बट आप कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए, तो ये लॉजिकल एक्शन में नहीं आएगा। ओके, इफ़ लॉजिकल एक्शंस आर जस्टिफाइड देन देयर मस्ट बी सोशल सैंक्शंस बिहाइंड द जस्टिफिकेशन। अगर आपने कोई चीज़, कोई एक्शन है, आपने उसको सोचा है, तो उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा प्लस सोशल सैंक्शंस के हिसाब से होना चाहिए, है ना। अब मुझे बहुत ज़्यादा अमीर होना है बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके लिए चोरी कर रही हूँ, तो ये कोई लॉजिकल एक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एन एक्शन टू बी लॉजिकल देयर मस्ट बी अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द मीन्स यूज्ड एंड द एंड्स सो अटेंड। तो एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम करना तो चाहते हैं, गोल तो हमारा ठीक है, बट उसको पाने का जो वे है, उसको करने का जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वही गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए मीन्स में भी और एंड में भी, ओके। लॉजिकल एक्शन मस्ट बी मोटिवेटेड बाई रीज़न। कोई रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप लॉजिकल एक्शन कर रहे हैं। लॉजिकल एक्शन मस्ट बी रैशनल। रैशनल मीन्स रीज़न ही होता है, सो दीज बोथ आर सेम, ओके। सो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज नॉन लॉजिकल एक्शन। दोज ह्यूमन एक्शंस दैट डू नॉट फॉल इन द स्कोप ऑफ लॉजिकल एक्शन। याद रखना, जितनी भी अभी हम लोगों ने लॉजिकल एक्शन में बातें की हैं, ऐसा कोई भी एक्शन जो लॉजिकल एक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं हो रहा है वो हमारा हो जाएगा नॉन लॉजिकल एक्शन, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देन पेरेटो सेज दैट सिंस दीज एक्शंस आर नॉन लॉजिकल इट डज नॉट मीन दे आर इलॉजिकल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखना कि जो नॉन लॉजिकल एक्शन होते हैं वो इलॉजिकल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, वो वेस्ट है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नॉन लॉजिकल एक्शन आर गाइडेड बाई सेंटिमेंट्स। याद रखना, नॉन लॉजिकल एक्शन जो हम करते हैं, जो जिसमें ज़्यादा रीज़न तो नहीं रिक्वायर्ड होता है, बट वो हमारे सेंटिमेंट्स से जुड़ा होता है, ठीक है। नॉन लॉजिकल एक्शन आर ऑल दोज एक्शंस दैट डू नॉट शो एनी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द मीन्स एंड एंड्स ईदर सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली। याद रखना, नॉन लॉजिकल एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें कोई भी लॉजिकल कनेक्शन हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। द नॉन लॉजिकल एक्शंस कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज। अब चार तरह के नॉन लॉजिकल एक्शंस हैं, वो क्या हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। द नो नो कैटेगरी इन विच द एक्शंस वर नॉट लॉजिकल, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द एंड्स एंड द मीन्स अप्लाइड डू नॉट गिव एनी रिजल्ट दैट इज लॉजिकल। देखो, नो नो कैटेगरी का क्या मतलब है, ऐसे एक्शंस जिसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है एंड्स और मीन्स के बीच में, कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मुझे भूख नहीं लगी है, ओके, मान लो मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है, उसके बाद मेरा मन हो रहा है कि मुझे पिज्ज़ा खाना है। अब पिज्ज़ा खाना है, इसके पीछे कोई रीज़न है नहीं, मेरा मन हो रहा है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। तो इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी हमारी नो नो कैटेगरी में, ओके। द नो येस कैटेगरी इज द कैटेगरी इन विच द रिजल्ट दैट एन एक्शन विल गिव इज नॉट लॉजिकली कनेक्टेड टू द एक्ट परफॉर्म। मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि उससे मेरा जो टारगेट है वो अचीव होगा। इन सच एक्शंस द एक्टर रॉन्गली बिलीव्स दैट द मींस दैट ही हैज अप्लाइड विल गिव द रिजल्ट। मतलब आपने कोई चीज सोच रखी है, आपने ये सोचा है कि आपको जेआरएफ चाहिए, ठीक है, बट उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, चलते चलते एक वीडियो देख लिया, हो गया, आपको लगता है ऐसा करके आपका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नो येस कैटेगरी, ओके। नाउ द येस नो कैटेगरी ऑफ एक्शन डज प्रोड्यूस अ लॉजिकल रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द मीन्स अप्लाइड एंड सॉरी बट द एक्टर डज नॉट हैव एनी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द एंड्स एंड द मीन्स। देखो, इसमें क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट था वो तो आपने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, बट मीन्स जो अप्लाई किए वो आपने ऐसे लॉजिकली सोच के नहीं अप्लाई किए। जैसे कहते हैं ना, तुक्के में हो गया, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है।
Now, fourth is the yes, yes category gives the logical results depending on the means applied and ends. यानी इसमें आपको result तो मिलेगा, depend करता है आपके क्या आपने means apply किए हैं और आपका end क्या था, ठीक है? But means are subjectively connected, but the objective result does not follow the subjective sequence. मतलब आपका जो भी result होगा वो subjectivity से related नहीं होगा. Okay? So these four are the types of non-logical action. कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझसे कमेंट में या फिर मुझसे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो. नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शन. नॉन लॉजिकल एक्शंस आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय सब्जेक्टिव फैक्टर्स. नॉन लॉजिकल एक्शंस कैन नॉट बी प्रूव्ड ईदर बाय ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन. नॉन लॉजिकल एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जिसमें सब्जेक्टिविटी बहुत होती है, वो उसी पे बेस्ड होते हैं, है ना? हमारी फीलिंग्स, हमारे सेंटिमेंट्स, उस पर ज़्यादा हमारे ये वाले एक्शंस बेस्ड होते हैं. नॉन लॉजिकल एक्शंस जो है वो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है? नॉन लॉजिकल एक्शंस गाइडेड होते हैं नॉट बाई रीजन बट बाई इम्पल्सिस. यानी हमारी फीलिंग्स, हम क्या फील करते हैं चीज़ों को लेकर, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ना कि रीज़न पे, ठीक है? अब मुझे भूख नहीं लगी है फिर भी मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो यहाँ पे रीज़न तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इम्पल्स है कि मुझे भूख लगी है, मेरा मन हो रहा है, ठीक है? नॉन लॉजिकल एक्शंस आर ऑल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय रियलिटी. ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी को जस्टिफाई कर पाए नॉन लॉजिकल एक्शन. ओके, नॉन लॉजिकल एक्शंस आर टू सम डिग्री मोटिवेटेड बाय सेंटिमेंट. तो सेंटिमेंट्स एंड बायसेस, ये सब्जेक्टिविटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको नॉन लॉजिकल एक्शन में याद रखते हैं. अब देखो, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस आर डिस्कस्ड बाय पेरेटो डू कम अंडर सम क्रिटिसिज्म. थोड़ा सा इसमें क्रिटिसिज्म भी है जो हमें देखना है. वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म दैट दिस थ्योरी फेसेस इज द फैक्ट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्शंस एंड टेल विच एक्शन इज लॉजिकल एंड विच एक्शन इज नॉन लॉजिकल. तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने दे तो दिए दो तरह के एक्शंस, बट दोनों में डिफरेंस बनाना, एक स्ट्रेट डिफरेंस बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? ये एक क्रिटिसिज्म है. अनदर क्रिटिसिज्म इज दैट द नंबर ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शन इज मोर देन दैट ऑफ लॉजिकल एक्शन. यानी ऐसे एक्शन ज़्यादा हैं जो हम नॉन लॉजिकली करते हैं और लॉजिकली नहीं करते हैं. क्यों है ऐसा? बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट टू परफॉर्म एनी एक्शन दैट इज गाइडेड बाई इमेजिनेशन, सेंटिमेंट्स एंड थिंकिंग. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन सोच के नहीं करता है ना, वी आर नॉट रोबोट्स, है ना? Also, humans want to prove that non-logical actions are very logical. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है ना, अपना ही लॉजिक दे रहे हैं. बिकॉज दे थिंक सो एंड आर समहाउ एबल टू अचीव. और उस चक्कर में हम लोग डिजायर्ड गोल भी अचीव कर लेते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्रिटिसिज्म है जो इनकी थ्योरी के साथ आते हैं. आप इन पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स को याद रखिएगा, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला. ओके, पेरेटो स्टडी actions on the basis of their relation through logic. In other words, Pareto believed that every action was based on logic and humans tried to prove every action to be logical through their action in their way. यानी जो भी चीज़ें Pareto ने बोला कि जो भी action एक human करता है वो कहीं ना कहीं उसे justify करने की ही कोशिश करता है logically. Okay? In other words, human often fail to demonstrate logical action but they always want to make their thinking appear like logical. Pareto ने ये भी कहा कि अगर हम नॉन लॉजिकल थिंग्स भी करते हैं लाइफ में तो भी हम उसमें एक लॉजिकल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? ताकि लोगों को लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो लॉजिक है, मेरा लॉजिक बेटर है, है ना? दिस इन टर्न हेल्प्स ह्यूमन अटेन द डिजायर्ड गोल विच मे नॉट बी अचीव्ड ऑब्जेक्टिवली और एज वॉज डिजायर्ड बाई एक्शन वेन इट वॉज परफॉर्म. इस वजह से क्या होता है कि हम बहुत सी चीज़ें लाइफ में नॉन लॉजिकली भी अचीव कर लेते हैं, ठीक है? नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ पेरेटो जो आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाली बुक तो बहुत बार पूछी गई है सोशियोलॉजी के एग्जाम्स में, तो ये सारी ही चीज़ें आप याद रखिएगा. जब मैं आपको पीडीएफ इसका सेंड करूंगी टेलीग्राम पे तो उसको आप पढ़ लीजिएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू लाइक दिस लेसन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. गो टू प्लेलिस्ट एंड सी, मैंने वहाँ पे जो भी फ्री चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं, प्लीज़ मेक यूज ऑफ इट. दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन. Because all the free things, all the free materials, links, notifications you will find on this Telegram. This is my personal Telegram. If you have any doubt, if you want to ask me anything, if you want to request any topic, you can always do. Okay? So that's it for today, guys. I hope you liked it. Thank you very much. Keep learning.